सो हाय गाइस, आप देख रहे हो YouTube चैनल टेक क्वालिटी विद आशीष। और आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ पोर्टोनिक्स कॉन्स डेल्टा 41146 इन द ईयरफोन को। तो मैंने इसको शॉपक्लूज और जॉ ड्रॉपिंग डील से ऑर्डर किया है, और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मेरे को ओनली 53 रुपीज़ का मिला है विद फ्री शिपिंग। तो देखते हैं अभी कैसी क्वालिटी है क्या है, और पहले करते हैं इसको अनबॉक्स। सो गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मेरे को पैकेट में रिसीव हुआ है, और इसके अंदर मेरे को ईयरफोन में फील कर पा रहा हूँ। इतना सा बॉक्स है और इतना बड़ा इसका पैकेट है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। और मैंने यहाँ पे मम्मी की कैसी चुरा के ला रही है, डोंट ट्राई दिस एट होम वरना आपको मार पड़ सकती है। तो अभी इसको मैं इधर से कट कर लेता हूँ। पैकेट पता नहीं क्यों इतना बड़ा दिए है, पर कोई नहीं, देखते। तो मैंने इसको कट कर दिया है, अब इसको फेंकते हैं बाहर। और अब देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मिल जाता है ये ईयरफोन रखा हुआ, तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं। पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको इसका बिल बताना चाहूँगा इस बार, क्योंकि मैंने पिछले बार जितने भी शॉपक्लूज के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं मैंने उसका आपको बिल नहीं बताया, तो मैं इस बार आपको बिल बताना चाहूँगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो 52 रुपीज़ का पड़ा है। मैंने एक्चुअली में वीडियो में 53 बोला, बट मेरे को 52 रुपीज़ का ही टोटल पड़ा ही है। तो इसको फेंकते हैं अभी इसको साइड में, और आते हैं अपने ईयरफोन के ऊपर। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके के पैकेट में रिसीव हुआ है, और शिपर के पास है तो थोड़ी अच्छी लग रही है पैकिंग। अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं, बबल रैप अच्छे से एकदम किया गया है इसको। और भाई साहब, टेप कितनी बड़ी है पता नहीं मेरे को। तो गाइस, मैंने इसको बाहर निकाले और देख सकते हो कुछ इस तरीके का बॉक्स है। बॉक्स पे देख लेते तो देख सकते हो इधर पोर्टोनिक्स लिखा गया है, इधर लिखा गया है कॉन्स डेल्टा इन द ईयरफोन, और इस साइड में भी बॉक्स के लिखा है CRPS एंड क्लियर साउंड। तो देखते हैं अभी यार साउंड तो कितनी क्लियर होती है। और इधर आप देख सकते हो कुछ इसके डिटेल्स, और पीछे के साइड आप देख सकते हो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन। तो देख सकते हो ब्रांड पोर्टोनिक्स, तो पोर्टोनिक्स तो जाना माना है क्योंकि आपने स्पीकर्स और बाकी सब कुछ इससे देखा होगा। तो ये व्हाइट कलर में मैंने ऑर्डर किया क्योंकि व्हाइट कलर ही था अवेलेबल। और आप इसके MRP देख सकते हो, उधर 500 रुपये की MRP है इसके, और मेरे को तो इसलिए 53 रुपीज़ का पड़ा। तो और इधर आप देख सकते हो कुछ और डिटेल्स दी गई है, तो अभी इसको फटाफट से ओपन करते हैं। वो भाई, बॉक्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका फिलहाल अभी तक। और देख सकते हो कुछ अंदर इस तरीके का वाइट कलर का है जिसके अंदर रखा है हमारा ईयरफोन, और इसके अंदर देखे तो कुछ भी नहीं है। इसको रखते हैं इधर, और देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमको मिला है। तो हम इसको पहले बाहर रखते हैं, और ये बस इसका काम हो गया, इतना ही था इसका काम। और देख सकते हो ये इस तरीके कुछ पॉलीथीन में हमारा जो है ईयरफोन है। तो अभी इसको निकालते हैं बाहर। भाई पन्नी तो फटनी ही, फाड़ना ही पड़ेगा भाई, बहुत ही अजीब पन्नी चिपकी हुई है। ध्यान रखते हैं कि ईयरफोन ना कटे, पता चले कि चेक करने के पहले ईयरफोन का काम हो गया। तो देख सकते हो, हाँ भाई, तो इधर आप देख सकते हो हमको दो एक्स्ट्रा ईयरबड दिए गए हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके के छोटे से पन्नी के अंदर है, और देख सकते हो ये है हमारा ईयरफोन। तो भाई अभी तक तो मेरे को बहुत ही पसंद आया ईयरफोन, क्योंकि आप भाई क्वालिटी बहुत ही मस्त है। तो रुको, अभी फिलहाल मैं इसको खोल लेता हूँ इधर से, और फिर मैं आप लोग को भी बताता हूँ। सो गाइस, मैंने इसको खोल लिया है, और अब देखते हैं इसको पूरा खोल कर। तो हाँ गाइस, क्वालिटी बहुत ही मेरे को पसंद आया। इधर देख सकते हो आप, सिल्वर प्लेटेड 3.5 mm जैक आपको मिलता है, और कुछ इस तरीके का वायर है, तो वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इधर से जो है देख सकते हो, इधर से अपना ईयरफोन मेन स्टार्ट होता है, और ये जो है मेन मॉड्यूल। और देख सकते हो इधर एक माइक का फिगर बना हुआ है, और इधर की तरफ लिखा हुआ है पोर्टोनिक्स, इधर लोगो दी गई है। और देख सकते हो इधर बटन है, वो भी तीन बटन है इधर, एक जो है पोर्टोनिक्स जो लिखा है वहाँ पर मेन मेन्यू है, और इधर माइनस और इधर प्लस, मतलब इससे आप ऑडियो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और देख सकते हो कुछ ईयरबड कुछ इस तरीके का है, तो देख सकते हो यहाँ से कुछ कर्व्ड है, और यहाँ पर पता नहीं क्या दिया गया है। इधर ग्रिल है ना भाई, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसा मैंने देखा था उसमें ये ग्रिल नकली है भाई, देख सकते हो ये प्रिंट है, ये कोई ग्रिल नहीं मिलता आपको, ये सिर्फ प्रिंट है। और देख सकते हो कुछ ईयरबड कुछ इस तरीके का है, और देख सकते हो पीछे भी इधर जो है नकली प्रिंट बना गया है, जबकि इधर कुछ ग्रिल व्रिल नहीं है। और देख सकते हो इधर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, इधर राइट लिखा गया है, इधर लेफ्ट लिखा गया है, मतलब इसमें स्टूडियो साउंड जो है काफ़ी तगड़ा होने वाला है मेरे हिसाब से। पर ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही कब लग रहा है, तो फिलहाल मैं तो इसको पहन के देखूंगा भाई कि मेरे को आ रहा है कि नहीं। और आप इधर देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिया गया है, तो इसमें शायद से हम लोग हाँ इसको इस तरीके से लगा के एक साथ रख सकते हैं। तो भाई ओवरऑल तो भाई 52 रुपीज़ में मेरे को तो बहुत ही अच्छा मिला। तो देख सकते हो आप इसको कुछ इस तरीके का लगा सकते हो आपके कान के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, बस बाकी इसका कुछ काम नहीं है। तो भाई पहले मैं इसको अभी अच्छे से टेस्ट करूँगा, स्टूडियो साउंड साउंड क्वालिटी सब कुछ, फिर बाद में मैं आपको भी साउंड सुनाऊँगा, और बाद में इसका देते हैं रिव्यू।
सो गाइज मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा साउंड क्वालिटी कैसी है, मैं आपको ये बोलने वाला हूँ रिव्यू में। तो फिलहाल मैं अभी आपको साउंड क्वालिटी इसकी सुना रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात क्लियर बता दूँ, इसकी जो है साउंड क्वालिटी बहुत चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं माइक से रिकॉर्ड करूँगा तो ऑब्वियसली आवाज़ जो है बहुत कुछ चेंज हो जाएगी, लेकिन रिव्यू के लिए आप इंतज़ार करिए थोड़ा सा। सो गाइस इसके हम अभी चेक करने वाले हैं माइक क्वालिटी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे माइक की जगह पर जो इसका 3.5 mm जैक लगाता हूँ और इससे ऑडियो रिकॉर्ड होगी, तो आप वो भी देख सकते हो उसकी माइक क्वालिटी भी कैसी है। सो गाइस मैंने मेरा माइक निकाल दिया है और मैंने उसकी जगह पर इसको लगा दिया है, तो अभी आप इसकी साउंड क्वालिटी देख सकते हो। हेलो 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 1 2 3 1 2 3। और यार गाइस कहीं माइक खोल तो नहीं मिलता है, लेकिन आप देख सकते हो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मेरे को उधर ऑडियो मीटर में दिख रहा है। और अगर मैं पास से बोलूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरह की क्वालिटी, और अगर थोड़ा सा दूर रखो तो देख सकते हो कुछ इस तरह की क्वालिटी है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा इसका अनबॉक्सिंग और इसकी साउंड क्वालिटी, तो मैं अभी इसका देने वाला हूँ रिव्यू। तो भाई देखो मैंने इसकी साउंड क्वालिटी सुना, एकदम मैं 10 out of 11 दूंगा, मतलब एकदम गजब की इसकी क्वालिटी है। और इसका बेस, इसका ट्रबल, इसका जो वोकल, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और अगर इसकी मैं फिटिंग की बात करूँ तो मैं आपको फिलहाल इधर दिखाता हूँ पेन के, तो आप देख सकते हो ये कुछ, एक सेकंड, ये लेफ्ट वाला है, मैं गलत पिन लिया था, तो ये राइट वाला है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की फिटिंग है, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, एकदम मेरा परफेक्ट एकदम फिट बना है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है ये। और अगर इसकी वायर क्वालिटी की बात करो तो थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है। और इसका 3.5 mm जैक भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और मैंने इसको भी टेस्ट किया, इसका मॉडल भी काम कर रहा है एकदम, मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन, मेन बटन, सब कुछ काम कर रहा है। तो भाई इसकी साउंड क्वालिटी और इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो अगर इसकी मैं ओरिजिनल प्राइस की बात करूँ तो देखिए आपको शॉपक्लूज पर मिल जाता है 200 से 250 के बीच में, मतलब ये चेंज होता रहता है इसका कभी भी प्राइस। तो यार मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, उस प्राइस पर भी ये काफ़ी अच्छा ईयरफोन होने वाला है, क्योंकि पबजी के लिए भी मस्त होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट अलग है। और भाई स्टूडियो साउंड मैंने इसका टेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया इसका स्टूडियो साउंड है। लेफ्ट से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है, राइट से बहुत कम, जब लेफ्ट में साउंड बज रहा है तो मतलब ओवरऑल इसका पबजी में तो मतलब मस्त काम होने वाला है इससे। और ये ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। तो लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको एक ईयरफोन चाहिए और अगर आपकी रेंज है 200 से 250 के बीच में, तो आप प्रोटोन इसका ये वाला ईयरफोन बिल्कुल बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना था, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll